श्री गणपति गुरु गौरी पद प्रेम सहित धर्मात इष्ट देव सुमरन करूं मैं श्री शिव भैरव नाथ। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल श्याम बरन विकराल बपूतो लोचन लाल विशाल। जय जय जननी अम्बिके जय जगदेव गणेश लज्जा मेरी राखी ओ श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। और सबसे पहले तो मैया मैं सुमरत हूँ तो भूलो ज्ञान बतइयो मोय मेरी मात करो लियो बारी तो सेंगन के करे सवारी दुर्गे तुम्हें नवन आज राखो भरी सभा में लाज मैं तो करू जोड़ कर अर्जी आगे रही तुम्हारी मर्जी तोड़ भवानी दुर्गे मैया आ जइयो दंगल में यार रर सोती हो तो जाके भवानी पिया पान जंगल आटा मंडल तुमको बर बर शीश झुकावे रे हरे के मैया तेरे बल ते हरि कीर्तन गावे रे हरे के आटा मंडल तुमको बर बर शीश झुकावे रे हरे के मैया तेरे बल ते हरि कीर्तन गावे रे। ओ दुर्गे भवानी बचा दी जो लाज तेरे ही कारण उठायो है साज मैया तेरे ही कारण उठायो है साज। दुर्गे भवानी बचा दी जो लाज तेरे ही कारण उठायो है साज मैया तेरे ही कारण उठायो है साज। जल्दी से दौड़ मैया देर क्यों करी दंगल में बात तेरी हो अरे दाने कुमार कारी दिल पे गई बिता परी उदाई इसमें बनी अरे करता हूँ जोड़ कर अर्जी तेरी
जंगल में लाज रख मैया मेरी तो पैदा जाना रे अलपान बताते चन रहे अपडारे ओ जंगल में आजा मात भवानी उड़ रहे जयकारे तो पैदा जाना रे अलपान बताते चन रहे अपडारे समय की बात है और सुनो सजन धर ध्यान सो मोती को परब जगत में है भारी बेख्यात नगर के सब नर नारी आए और रघु राजा ने महलन में नारिन के नाच कराए। प्रिय सज्जनों, लिली कैसेट के माध्यम से हम आपको एक कथा प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है रघुकुल रीत। रघु राजा ने ऐसा क्या काम किया जिससे ये रघुकुल की रीत चली, इस चौपाई का हम कीर्तन के माध्यम से आपको अर्थ बताएंगे। गायक साहब सिंह गुजर एंड पार्टी, ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे गुड्डू भाई गंदर महावीर जी वाले। क्या होता है भैया? और रघु राजा से बोली रानी, मानो जी मानो मार बल में हजारी, सब दुनिया जावे कोई सो मोती को परब पेर कब आवे, सुख पावे गो हमारो चोला, कोना बदोई तो परक को ना पड़े ओ पड़े मारा डोला। ओ रघु राजा से बोली रानी, छोटी रानी है जियो बोली ओ छोटी रानी है, हो नावा धोबा जाए पियायो बोली छोटी रानी है जियो बोली ओ छोटी रानी है, हो पंडित लियो बोलाए भूप ने संग भेज दई रानी है जी भाई संग भेज दई रानी है। राजा को कई पतो पड़े आयत पर में गोला, वो नव डोई सुपरक को न पड़े पड़े मारा डोला। हो रघु राजा से बोलिए रानी, मानो जी मानो मारा बल में हजारी, सब दुनिया जावे कोई सो मोती को परब पेर कब आवे, सुख पावे वो हमारा डोला, वो नव धोई सुपरक को न पड़े ओ पड़े मारा डोला। वो रघु राजा से बोलिए रानी, मानो जी मानो मारा बल में हजारी,
सामति को परत पेर कब आवे सुख पावे को हमार चोला वो नव धोए सुपरक को न पड़े हो पड़े मार ढोला। प्रिय सज्जनों, एक समय अवधपुरी की सभी स्त्रियां तीरथ करने के लिए जाती हैं। जब तीरथ करके वापस लौटती हैं, तो जैसे रघुराजा के महलों के नीचे होके गुजरती हैं, तो उनको रानियां बुला लेती हैं और कहती हैं, अरे भाई तुम कहां से आई हो? गांव की औरतें कहती हैं, अरे भाई हम तो तीरथ करके आई हैं। रानी कहती हैं, भाई कैसा तीरथ? तो गांव में हर तरह की स्त्रियां रहती हैं, कुछ चिढ़ाने वाली कुछ बताने वाली। तो एक स्त्री ने कह दिया कि तुम रानी वानी कुछ नहीं, जब तुमने तीरथ ही नहीं किया तो हम देखिए खुले रहते हैं, तीरथ करके आए हैं। तो प्रिय सज्जनों, रघुराजा से रानी हट पकड़ जाती हैं और कहती हैं कि महाराज हमें तीरथ करने के लिए जाना जरूरी है। रघुराजा कहते हैं, मेरे पास कोई आदमी नहीं। लेकिन रघुराजा ने अपने कुल पुरोहित पंडित को बुलवाया और पंडित जी के साथ में रघुराजा रानियों को तीरथ करने के लिए भेज देते हैं। और क्या होता है भैया? कीर्तन के माध्यम से। और रघुराजा ने हुक्म दियो तीरथ करवा को जावे, पंडित जी को नपरानी मल मल स्नान करा मेरे। अरे रघुराजा ने हुक्म दियो तीरथ करवा तू जावे, ओ पंडित जी को नपरानी मल मल स्नान करा मेरे। अब करे में सुर चतुराई नित माल परायो खावे, ओ राजा संग गात रचावे। अब करे में सुर चतुराई नित माल परायो खावे, ओ राजा संग गात रचावे। परायो माल में सुर जी लाल सुरक हो आवे, वो दान दक्षिणा खूब मिले को मल हाथन सुनावे। हर तीरथ पूरन किया में सुर जी गंग तीर पे आवे, वो मल मल कर स्नान गंग पे रानी पे होम करावे। हर दे आहूति पेर में सुर जी दान दक्षिण की पतरावे, वो रानी के बालक में सुर जी मोह मायो पर मिल जावे। हर सुन कर इतनी बात में सुर जी फूलो नहीं समावे, वो मुंह सुटप के लार मटक होटन पे जीप फिरावे। अब तक मैंने मानी मानी हो मानी तेरी कहने मुए, आज दान में दे दे रानी तेरी छोटी बहने। अब तक मैंने मानी मानी हो मानी तेरी कहने मुए, आज दान में दे दे रानी तेरी छोटी बहन। अब करे में सुर चतुराई नित माल परायो खावे, ओ राजा संग गात रचावे। अब करे में सुर चतुराई नित माल परायो खावे, ओ राजा संग गात रचावे। हर खाए परायो माल में सुर दी लाल सुरक हो आवे, वो दान दक्षिणा खूब मिले सुनावे। हर तीरथ पूरन किया में सुर जी गंग तीर पे आवे, वो मल मल कर स्नान गंग पे रानी पे होम करावे। हर दे आहूति पेर में सुर जी दान दक्षिण की बतराव, वो रानी के बालक में सुर जी मुंह मायो पर मिल जावे। हर सुन कर इतनी सुर जी फूलो नहीं समावे, वो मुंह सुटप के लार मटक होटन पे जीप पेरावे। अब तक मैंने मानी मानी हो मानी तेरी कहने मुए, आज दान में
कान में दाज लगाए, फिर क्यों कर रहे अत्याचार, अमानत रघु राजा के हाथ हमरा नी तो पिता में, पर रघु राजा वचन सुना में चल दिए गंग तीर से पाई, कर रहे सोच में चोरिया पहुंचे रघु राजा ढिक जाए, रानी रही है वचन सुनाई, सुनियो नाते हमारी पानी, पंडित जी को सही है रानी, पंडित जी को दाने अधूरो या तू कर दे आज सबूरो, जब मेलन में ऊपर आई नहीं चौकन में जान गवाए, रघु राजा यो बोलो पानी, सुन ले कान लगा पट रानी, रानी एक नहीं सब चंगो, सब रो राज पाट दे चंगो, पंडित जी को हाल बुलायो, सब रो राज पाट समरायो, रानी पंडित को समराई, नहीं कोई बदन योदात साई, कर छोट दई रजदानी, रानी पिया बान बन आयो, यार नर रघु राजा ने नदी किनारे गुना आय जमायो, राजा से चूला में लंबा बढ़ गया दाढ़ी मूछ पड़े हम जुआरे, अरे के राजा से चूल्हा में फूक लगे एक जुआरे, अरे के लंबा बढ़ गया दाढ़ी मूछ पड़े हम जुआरे। प्रिय सज्जनों, रघु राजा पंडित जी को साथ में कर देते हैं और रघु राजा रानियों को पंडित जी के साथ भेज देते हैं तीर्थ करने के लिए। इधर क्या होता है, रानियों के लिए रघुराजा ने पूरा माल दे दिया कि जो भी पंडित मांगे उसी दान को आप दे देना दक्षिणा में, मना मत करना पंडित जी से। इधर पंडित जी प्रिय सज्जनों बढ़िया माल खाते हैं, कोमल कोमल हाथों से स्नान करते हैं, तो पंडित जी लाल सुरख कहेंगे। अब पंडित जी की नीयत बदल जाती है और पंडित जी कहते हैं भाई रानी मेरे को आप छोटी रानी दान में दे दीजिए। रानी कहती है महाराज ये तो रघुराजा की अमानत है, इसको मैं नहीं दे सकती, इसको तो रघुराजा ही देंगे। प्रिय सज्जनों, पंडित जी को साथ में लेकर के रानी महलों में आ जाती है लेकिन चौक में रुक जाती है। रघुराजा से रानी कहती है महाराज जब तक आप पंडित जी का दान पूरा नहीं करोगे तब तक हम महलों में ऊपर नहीं आ सकती। रघुराजा कहता है भाई ऐसा कौन सा दान है पंडित जी का। रानी कहती है महाराज इसने रानी को दान में मांगा है कि बस इतनी सी छोटी सी बात। प्रिय सज्जनों, रघुराजा रानी रजधानी धनमाल सबको पंडित जी को देकर के वहां से बियाबान जंगल के लिए चला जाता है। क्या होता है भैया, प्रोग्राम लिली कैसेट के माध्यम से बड़े ध्यान से सुने। तो गंग तीर पे आ गए और लिए कमंडल हाथ, भजन करे भगवान को तो यक पेटे नहीं है पाप, तो नहीं है आत्मा में पाप, अमर पल एक नदी में आयो और भाई अमर पल रघु राजा ने पंडित को जाए घायो। प्रिय सज्जनों देखिए, रघु राजा जब एक नदी किनारे चले जाते तपस्या के लिए तो भगवान की करनी नदी में एक अमर फल बह के आ जाता है। अब देखिए रघुराजा सोचते हैं कि मैं तो एक बाबा जी सन्यासी हूं, मैं उसका क्या करूंगा, लेकिन इसको महलों में पहुंचा दिया जाए जिससे कम से कम मेरी रानी तो सुखी रहेंगी, पंडित जी मेरा राज तो सुख से चलाएंगे, मेरी प्रजा सुखी रहेगी। प्रिय सज्जनों, किस प्रकार से रघुराजा महलों में जाते हैं, क्या होता है भैया। और रघुराजा महलन को आयो, लियो कमंडल हाथ, अरे रघुराजा महलन को आए, लिए अमर पल हाथ, सीधे जाए महलन में पहुंचे झुके अंधेरी रात।
जे आयो दियो अमर बलहा। हर सीधे दर महलन में पहुंचे झुके अंधेरी रात में सुर देव जाय बतराए अमर बल हाथ गाए ओम सुर देव जाय बतराए अमर बल हाथ गाए। रघु राजा महलन को आयो लियो अमर बल हा। हर सीधे जाय महलन में पहुंचे अंधेरी रात में सुर दे जाए बतराए अमर बल हाथ गाए ओम सुर दे जाए बतराए अमर बल हाथ गाए। प्रिय सज्जनों, रघु राजा उस अमर फल को लेकर के और महलों के लिए आ जाते हैं। रात्रि का टाइम था, पंडित जी को चुपचाप अमर फल दिया कि भाई इसको आप खा लेना। तो पंडित जी देखिए दगा समझते हैं कि हो सकता है कोई जादुई विद्या हो, राजा मेरे संग में घात कर रहा हो। तो पंडित जी क्या करते हैं, उस अमर फल का पीछे क्या होता है भैया? और रघु राजा महलन से वापस गंग तीर पे आए रे हो देव में सोर ने दगा समझ नाली में अमर बहाए रे। अरे रघु राजा महलन से वापस गंग तीर पे आए रे हो देव में सोर ने दगा समझ नाली में अमर बहाए रे। अब रेन पीट गई भाई दिन युगत लाली चाई बैंगन महलन डिंग आई वकी नजर अमर पड़ जाई अन पल में अमर गायो है जोली में हाल दुबायो है अन पल में अमर गायो है जोली में हाल दुबायो है ले चली अमर पल जोली मन से न्योरी वाको डोला में तर डिंग जल्दी आई है वकु दियो अमर पल दाई है पार पहुंच गई महलन में जाई वो पंडित पूछे समाचार लगे तुम्हारा मैं तर की काई। अब छाय रही खुशे अपार पहुंच गई महलन में जाई वो पंडित पूछे समाचार लगे तुम्हारा मैं तर की काई। प्रिय सज्जनों, रघु राजा अमर फल को पंडित जी के लिए दे देते हैं। पंडित समझता है कि पता नहीं क्या विद्या है, उसको महलों के पीछे फेंक देता है। इधर सुबह मैत्रानी सफाई करने के लिए आती है तो उसको वो अमर फल नाली में मिल जाता है। मैत्रानी अमर फल को लेकर के मैत्र के पास पहुंच जाती है। मैत्र जान गया कि ये तो अमर फल है। मैत्र ने उसको साफ किया और मैत्रानी मैत्र दोनों ने खा लिया। प्रिय सज्जनों, आज मैत्र और मैत्रानी दोनों 16 साल के हो जाते हैं। सुबह होते ही जब मैत्रानी महलों के लिए आती है तो पंडित जी पूछते हैं, अरे भाई जो और दिन हमारे यहां सफाई के लिए आती थी वो आज कहां है, आज तुम कौन हो, तुम उसकी क्या लगती हो? मैत्रानी कहती है, महाराज मैं तो वही हूं। कि नहीं, और दिन तो हमारे यहां एक बुढ़ी औरत आती थी, आज ये क्या चक्कर है? इतने में मेहतर जी आ जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, महाराज तुम्हारे महलों के पीछे कोई फल पड़ा था जिसको हम दोनों ने खा लिया और हमारा चोला बदल गया। प्रिय सज्जनों, अब देखिए पंडित जी किस तरह से उकलाते हैं, क्या होता है। और रघु राजा महलन से वापस गंग तीर पे आए रे हो देव में सोर ने दगा समझ नाली में अमर बहाए रे। रघु राजा महलन से वापस गंग तीर पे आए रे हो देव में सोर ने दगा समझ नाली में अमर बहाए रे। तब रेन बीत गई भाई युगत लाली छाई बैंगन मेलन डिंग आई बगी नजर अमर पड़ जाई अन फल में अमर उठायो है चोली में हाल दुबायो है अन
हमारे उठायो है झोली में हाल छुपायो है ले चली अमर पल झोली में अन झाड़ू हाल बुहायो है मैं चर ढंग जल्दी आई है वक्तियो अमर पल आई है कालियो अमर बदलो चोला खुश हुई गोरी वा को डोला अब छाए गई खुशी अपार पहुंच गई मेलन में जाई वो पंडित पूछे समाचार लगे तुम्हार मेहतर की काई अब छाए गई खुशी अपार पहुंच गई मेलन में जाई वो पंडित पूछे समाचार लगे तुम्हार मेहतर की काई बदल गयो मैं भी 16 साल को पंड को अब पंडित के लगे ततैया फोड़े मूड रोए तेरी मैया फिर मेलन सुर उतरत आवे गोट गुहाल माल सजवावे चल के रघु राजा ढिग आयो रघु राजा से बचन सुनायो अरे खायो हो गायो जा दिन एक अमर फल गा सज्जनों पंडित जी सोचते हैं कि ये तो मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया। इधर पंडित जी रघुराजा के पास पहुंचते हैं और रघुराजा से कहते हैं अरे महाराज जो आपने अमरफल मेरे लिए दिया था वो अमरफल मेरे से नीचे गिर गया। मैं छत्री हूं मेरा यह धर्म नहीं कि नीचे गिरी हुई चीज को उठा के खाऊं। महाराज मैंने नाली में फेंक दिया उसको मेहतर और मेहतरानी खा गए अब मुझे आप अमर फल दीजिए। प्रिय सज्जनों रघुराजा सोच में पड़ जाता है कि मेरी कौन सी ये बनाई हुई चीज थी ये तो नदी में आया था मैंने पहुंचा दिया। लेकिन पंडित जी को धीर बंधाता है और कहता है प्रिय सज्जनों के रुको भाई इस नदी में आया था कहीं ना कहीं इसका वृक्ष तो अवश्य होगा हम उसको अवश्य देख लेंगे। और क्या होता है भैया अब पंडित जी गिर गयो धरन में चरणन शीश झुकायो रे रघु राजा यो सोच करे या पंदो भारी पायो रे कसुलाऊ अमर पल भाई या कैसी मुश्किल आई है अब हट पड़ बैठे पंडित जी धूनी पे पाम अड़ावे रे रघु राजा पंडित को पंचो दीर बंधावे रे क्यों घबरावे मेरा भाई है।
अब नदी तीर पे जाई, अब नदी तीर पे जाए, रूप संग चले मिसुर न्याई रे, आई नदी के तीर ब्रज कोई मिले अमर को भाई रे, वाय अमर नदी में आयो है, वाय मैंने कोय बितायो, अब चलता ही चलता दिन बीतायो रे, दिन झुकी अंधियारी रे, पंडित जी के चाले पड़ गए, बड़ी मुसीबत आई रे, रघु राजा सोच कर बारी, नहीं मिले अमर मेरी होए पारी, और रघु राजा की छातिर पे गौर करो नर नारी, अर रर राजधानी धन माल दियो और दे दे सबरी रानी, फिर भी पंडित के संग कर तो फिर भलाई रे, रेन बांध की बढ़ती आवे लाली रे, हरे के फिर भी पंडित के संग कर तो फिर भलाई रे, हरे के बीती रेन बांध की बढ़ती आवे लाली रे। प्रिय सज्जनों, ये प्रोग्राम आप लिली कैसेट के माध्यम से सुन रहे हो, गायक साहब सिंह एंड पार्टी। देखिए, रघुराजा पंडित जी से कहते हैं कि भाई ठीक है आप आए हो, मैंने तो उसको बनाया नहीं अमर फल को, लेकिन इस नदी में बह करके आया था, इसी के तीर तीर हम चलेंगे और अमर फल को देखेंगे कहां से आया था। तो प्रिय सज्जनों, इधर रघुराजा और पंडित जी दोनों नदी के तीर तीर चले जाते हैं, वहां जाकर के देखते हैं कि बहुत बढ़िया सुंदर महल मकान बने हुए हैं और उसी में अमर के पेड़ खड़े हुए हैं। रघु राजा और पंडित जी जाकर के द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं द्वारपाल से, महाराज हम इस महल को देखने के लिए आए हैं। प्रिय सज्जनों, उनको आदेश दे दिया गया कि महल को देखिए लेकिन कोई नुकसान मत करना। इधर रघुराजा और पंडित दोनों महल में घुस जाते हैं, देखते हैं महल के बीचों बीच नरक कुंड बना हुआ है। रघुराजा बड़े सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि इतने बढ़िया महल ये इंद्रासन के राज, लेकिन ये क्या बात है, इस महल में ये नरक कुंड क्यों बना हुआ है, इसका भेद हमें लेना चाहिए। प्रिय सज्जनों, रघुराजा और पंडित जी उसी द्वारपाल के पास आ जाते हैं, पूछते हैं अरे भैया ये क्या बात है, इतने बढ़िया महल हैं लेकिन इनमें ये नरक कुंड क्यों बना हुआ है। द्वारपाल कहता है भैया कोई रघुराजा है जिसके साथ में उसके कुल पुरोहित पंडित ने दगा किया है, वचन में राजधानी रानी सबको ले लिया, उसके लिए ये महल बनवाए जा रहे हैं और जिस पंडित ने दगा किया है उसके लिए ये नरक बनाया गया है। पंडित जी रघुराजा दोनों चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं महाराज मैं रघुराजा रिये वो पंडित। प्रिय सज्जनों, वहां से पंडित जी का नरक कुंड रघुराजा ने बचाया था, इधर राजधानी धनमाल सब दे दिया और वहां से नरक कुंड से बचा दिया। यही प्रिय सज्जनों रघुकुल की रीत है, जो चौपाई कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रिय सज्जनों, इधर देखिए, इसी बीच में रावण हुंकार मारता हुआ एक दिन रघुराजा के पास आ जाता है और क्या होता है। तो रघुराजा की रीत को सुन लियो तुमने हाल, बचन हार नहीं होयो भूप चाहे डस जाए बेरी काल, दस जाय बेरी काल, एक दिन दस कंदर टकरायो, ऐसो छोड़ियो बाण धूप ने दस कंदर टकरायो। प्रिय सज्जनों, जब दस कंदर रघुराजा के पास आ जाता है और रघुराजा से कहता है कि भाई आप मेरे से युद्ध कीजिए, आप रघुराजा हो मेरे से युद्ध कीजिए, रघुराजा ने प्रिय सज्जनों देखा कि ये दुष्ट वैसे तो मानेगा नहीं,
उसने अपनी धुनी से 100 चावल के दाने लेकर के और पश्चिम दिशा में फेंक दिए। इधर रावण पूछता है कि ये तुमने क्या किया है? कि भाई रावण, एक बियाबान जंगल में गौ को शेर ने घेरा है, मैंने गौ की रक्षा की है। प्रिय सज्जनों, रावण सोचता है कि ये बात मुझको देखनी तो चाहिए, ये सत्य है या गलत है। तो रावण वहां से जाता है और बियाबान जंगल में देखता है, प्रिय सज्जनों, 100 ही बाण शेर के लगे हुए हैं और गैया शेर के चारों तरफ चरती है। रावण उसको हाल को देख करके वहां से दौड़ के अपने महलों में आता है। इधर मंदोदरी रानी उसके लिए पानी लेकर के खड़ी थी कि मेरा पति देव विजय पा करके आएगा। प्रिय सज्जनों, किस तरह से आ रहा है, क्या हो रहा है, लिली कैसेट के माध्यम से सुने। और भक्तो आवे दस कंदर महलन की सोरत लगाई, वो पानी भर के मंदोदर चौकन में ताड़ी पाई रे। हर भक्तो आवे दस कंदर महलन की सोरत लगाई रे, वो पानी लेके मंदोदर चौकन में ताड़ी पाई रे। हर पानी पियो मरडोला जी मंदो दर के वाला की रे, हो तुम तो बन रहे बलशाली आप पत कौन सी आगी रे। हर पानी पियो मरडोला जी मंदो दर के वाला की रे, हो तुम तो बन रहे बलशाली आप पत कौन सी आगी रे। प्रिय सज्जनों, रघु राजा ने बाण शेर के मारा, उसको देख करके रावण महलों में आ जाता है। मंदोदरी कहती है, ओह पिया जी,
क्या विजय करके आयो? प्रिय सज्जन, ये बात रावण के उल्टी लगी। रावण वापस दौड़ करके रघुराजा के महलों में पहुंच जाता है, हुंकारी मारता है। पंडित जी घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये जाने कौन सी बलाय है, जिसके 20 भुजा 10 शीश ये कौन राक्षस आ गया। वहां से रावण वापस आ जाता है। इधर पंडित जी रघुराजा के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं अरे महाराज, एक इस तरह की मूर्ति हमारे महल में आई थी जिसको देख करके हम डर गए। रघुराजा सोचता है वही दुष्ट होगा और कौन हो सकता है। रघुराजा कहता है कि भाई मेरा शब्द वेदीपान लेकर के आना, मैं बताऊंगा उसको क्या होता है। प्रिय सज्जनों, पंडित जी ने रघुराजा के लिए बाण ला के दिया। रघुराजा ने रावण के नाम से वो बाण छोड़ा और वो बाण रावण के पीछे लग लिया। अब देखिए, रावण भगता भगता अपने घर पहुंच गया और अपनी स्त्री से कहता है कि मुझे बचाइए, ये बाण मेरा पीछा कर रहा है। उसकी स्त्री भैया क्या कहती है, मंदोदरी रानी रावण से क्या हो रहा है? अरे मंदोदरियों के बाला की लहंगा साड़ी ले लीजो, छत्रबान चोट नहीं करता, वेश जनानो धर लीजो। अरे मंदोदरियों के बाला की लहंगा साड़ी ले लीजो, छत्रबान चोट नहीं करता, वेश जनानो धर लीजो। यो बोले मंदोदर रानी जगजी कर ढोला, काने आई चूनन का गल्ला लगा दिया, बोले मंदोदर धन्य पिया, तेरा गुराजा को बाण देके भाई बीच चौक में घूम लिया। फिर मंदोदर यो कह रही है, रावण को नार बता रही है, मरी जोरन को लेंगा फूलन को बॉडी कट कब्जा खाचन को, मरी जोरन को लेंगा फूलन को बॉडी कट कब्जा खाचन को। बोलियो मंदोदर रानी जल्दी कर ढोला बलधारी, बोलियो मंदोदर रानी जल्दी कर ढोला बलधारी, फिर एक न मेरी मानी है तेरी अकल ठिकाने आगी है, तू एक बाण के मारे ढोला बन गयो असल लुगाई, चाकी पीसे मेरा भाई है, यकी अकल ठिकाने आई चूनन का गला लगा दिया, बोले मंदोदर धन्य पिया, तेरा गुराजा को बाण देख भाई बीच चौक में घूम रिया। फिर मंदोदर यो कह रही है, रावण को नार बता रही है, मारी जोरन को लेंगा फूलन को बॉडी कट कब्जा काचन को, मारी जोरन को लेंगा फूलन को बॉडी कट कब्जा काचन को। प्रिय सज्जनों, देखिए जब रावण कहता है कि भाई मेरी जान बचा, मंदोदरी एकदम सोच में पड़ जाती है और कहती है कि पहले तो तू बहुत बड़ा बलशाली बन रहा था, कह रहा था कि 33 कोट देवता मेरे बस में हैं, सभी मेरे बस में बंदी बने हुए हैं। तो प्रिय सज्जनों, मंदोदरी कहती है ठीक है, तू तो बहुत अभिमानी था, लेकिन ऐसा कर, ये छतरी का बाण है, लहंगा साड़ी ओढ़ के और भीतर घर में बैठ जा, क्योंकि छतरी का बाण कभी स्त्री पर चोट नहीं करता है। प्रिय सज्जनों, रावण को लहंगा साड़ी उड़ा के छाकी पर बैठा दिया गया और चून पीसने लग गया, लेकिन रघुराजा का बाण उसी बीच चौक में खड़ा हो गया। मंदोदरी सोचती है कि ना ये बाण हटेगा, ऐसे कब तक मेरा बरना चाकी पीसता रहेगा। अब देखिए प्रिय सज्जनों, इधर मंदोदरी रानी उसके लिए और अकल बताती है, कीर्तन के माध्यम से सुने।
यो बोले मंदोदर रानी जल्दी कर ढोला बलदारी, यो बोले मंदोदर रानी जल्दी कर ढोला बलदारी, तेन एक न मेरी मानी है तेरी अकल ठिकाने आगी, तू एक बान के मारे ढोला बन गयो असल लुकाई, चाकी पीसे मेरा भाई है ठिकाने आई, चूनन का गला लगा दिया बोले मंदोदर दान पिया, तेरा गुराजा को बाण देख भाई बीच चौक में घूम रे, फिर मंदोदर यो कह रही है रावण को नार बता रही, मर जोरन फूलन को बॉडी कट कब जाता चन को, मर जोरन निकलेगा गजब की तानी, या तो रघु राजा को बाण समझो निश्चय को जान, पर एक उपाय बताऊं जीवन भर तक काज लगाऊं, इसमें कैसे जीने आन पकड़ो रघु राजा को बाण, फिर दस का नर से बतलायो जाको ने मिटे में बतलायो, पूजा करियो रे दिन रात नहीं हो जाए तेरे संग घात, पूजा ने मिटे में से करियो या तू बीच महल में धरियो, रावण बाण शीश फैलाय वापिक मंदिर अलग बनायो, लंका में वही बाण बताय जगुरा चराम ने जान चलायो, अरे भाई बाण सू रावण मारो सुन जो मेरा भाई, को काल बजो पाटी से ऐसे बेत बताई, दूजर साहब सिंह ने कतना कटके गाई रे, अरे क्या डा मंडल की लो राम राम मेरा भाई रे, सिंह ने कतना कटके गाई रे, अरे गया डा मंडल की लो राम राम मेरा भाई रे, ओ भाग्यो शिव शंकर ढिंग आयो वा तू सारो हाल बतायो, भाग्यो शिव शंकर ढिंग आयो वा को सारो हाल बतायो, बोलो शिव शंकर यो वाणी आखिन बड़े गजब की कहानी, या तो रघु राजा को बाण समझो ने चले गो जान, पर तुए एक उपाय बता जीवन भर तक काज लगाऊं, इसमें कैसे बिजी ने आन पकड़ो रघु राजा को बाण, फिर दस कंदर से पतरायो या को ने मिटे में बतलायो, पूजा करियो रे दिन रात नहीं हो जाए तेरे संग घात, पूजा ने मिटे में से करियो या तू बीच महल में धरियो, रावण बाण शीश फैलाय वकु एक मंदिर अलग बनायो, लंका में वही बाण बतायो जकु राजा राम ने जान चलायो, अरे भाई बाण सू रावण मारो सुन लो मेरा भाई, अरो या को काल बजो पाटी से ऐसे बेत बतायो, तू दर साहब सिंह ने कतना कत के गाई रे, अरे गया डा मंडल की लो राम राम मेरा भाई रे, अरे के गुजर साहब सिंह ने कतना कत के गाई रे, अरे गया डा मंडल की लो राम राम मेरा भाई रे। प्रिय सज्जनों देखिए रावण के लिए मंदोदरी बताती है कि महाराज इस बाण का और कोई उपाय नहीं, आप कैसे भी निकल के भगवान शंकर के पास जाइए, वही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय सज्जनों
रावण दौड़ता भागता शंकर भगवान के पास पहुंच जाता है। इधर रघुराजा का बाण पीछे से हमला करता आ रहा है। शंकर भगवान से रावण कहता है कि महाराज मेरी जान बचा लीजिए। शंकर भगवान कहता है कि भाई मैं क्या करूं, तुमने कुछ बदमाशी की होगी। कि नहीं महाराज, ये बाण मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप मुझे बचाइए। प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान रावण से कहते हैं कि भाई रावण, उपाय तो इसका हम अवश्य बताएंगे, लेकिन आपको इसकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। तो बंधुओं, शंकर भगवान रघुराजा की आन लगा करके बाण को पकड़ लेते हैं हाथ में। रावण से कहते हैं कि सुन रावण, ये रघुराजा का बाण है, हंसी तमाशा नहीं। इसको आप अपने घर ले जाइए, स्वच्छ जगह पर इसका एक महल में मंदिर बनवा दीजिए। नेम टेम से इसकी पूजा करना। अगर इसकी पूजा में थोड़ी भी गलती हो गई तो हो सकता है यही बाण आपकी जान को ले ले। तो प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान ने ये बताया तो रावण उसी रघुराजा के बाण को अपने शीश पर रख के महलों में आता है और उसके लिए अलग से एक मंदिर बनवाता है। बंधुओं, हमें वेदों में ऐसे मिली है कि वही बाण जब राम रावण युद्ध हुआ था सीता माता की चोरी के पीछे, तब राम ने वही बाण लंका से मंगा करके और रावण की नाभि में मारा था, जिससे इमरत खत्म हुआ और रावण खत्म हुआ। प्रिय सज्जनों, एक बात याद आई, अगली कैसेट में हम आपको सुनाएंगे कि रावण की नाभि में इमरत कहां से आया था। ये प्रोग्राम हम लिली कैसेट के माध्यम से आपकी सेवा में पेश करते हैं। गायक साहब सिंह गुजर एंड पार्टी, गांव अड्डा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर। और हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं हमारे भाई बनवारी लाल जी, और झनकार बजा रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई पप्पू राम जी, और मंजीरा बजा रहे हैं हमारे एन के भारती जी, खंजरी बजा रहे हैं हमारे भाई बशीर भाई, और ढोलक बजा रहे हैं हमारे बहुत ही प्रिय गुड्डू भाई गंधर्व महावीर जी वाले। तो प्रिय सज्जनों, रावण को उसी बाण से राजा राम ने मारा था। रावण के यहां वो बाण रखा था, इसीलिए रावण कहता था कि मेरा काल मेरी मुट्ठी में है। प्रिय सज्जनों, देखिए क्या होता है कीर्तन के माध्यम से। ओ भाग्यो शिव शंकर ढेंगे आयो वाकु सारो हाल बतायो, भाग्यो शिव शंकर ढेंगे आयो वाकु सारो हाल बतायो, बोलो शिव शंकर यो वाणी आपन बड़े गजब की कहानी। या तो रघुराजा को बाण समझो निश्चय ले बो जान, पर तो एक यो भाई बताऊ जीवन भर तक काज लगाऊं। इसमें शिव जी ने नान पकड़ो रघुराजा को बान, फिर दस कांदर से बतलायो या को ने मिटे में बतलायो। पूजा करियो रे दिन रात नहीं हो जाए तेरे संगात, पूजा ने मिटे में से करियो या तू बीच महल में धरियो। रावण बाण शीश फैलायो एक मंदिर अलग बनायो, लंका में वही बाण बतायो जगु रज राम ने जार चलायो। और भाई बाण सुर रावण मायो, सुन जो मेरे भाई अर अर यो यको काल बजो पाटी से ऐसे बेत बताई। गुजर साहब सिंह ने कतना कत के गाई रे, अरे के अड्डा मंडल की ले राम राम मेरे भाई रे, अरे के गुर्जर
नागत के गाई रे, हरे खयाटा मंडल की ले राम राम मेरा भाई रे। ओ भाई क्यों सब शंकर डके आयो वाटू सारो हाल बतायो, भाई क्यों सब शंकर डके आयो वाटू सारो हाल बतायो। बोलो सब शंकर यो वानी आतेन बड़े गजब की कहानी, या तो रघुराजा को बाण समझो निश्चय ले को जान, पर तुए एक उपाय बताऊं जीवन भर तक काज लगाऊं। इसमें दैशिप जी ने आन पकड़ो रघुराजा को बाण, फिर दस कानर से बतरायो या कोने मिटे में बतलायो। पूजा करियो रे दिन रात नहीं हो जाए तेरे संग काट, पूजा ने मिटे से करियो या को बीच महल में धरियो। रावण बाण शीश फैलायो भगु एक मंदिर अलग बनायो, लंका में वही बाण बतायो जगु राजा राम ने जार चलायो। अरे भाई बाण जो रावण मारियो सुन जाओ मेरे भाई, यक काल बजो पाटी ते ऐसे पेट बतायो। गुर्जर साहब सिंह ने कतना कच के गाई रे, अरे के आटा मंडल के ले राम राम मेरा भाई रे। अरे के गुर्जर साहब सिंह ने कतना कच के गाई रे, अरे के आटा मंडल के ले राम राम मेरा भाई रे। मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुरत हृदय दर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुरत हृदय दर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारे हरो नाथ मम संकट वारी, दीन दयाल बिरज संभारे हरो नाथ मम संकट वारी। कलयुग के मन नाम अधारा सुमर सुमर नर ट देखवाइयो रे, टोटा जी की जात चोरे दर्शन नहरे के पइयो रे, ए कह रही साहब सिंह की जोट देखवाइयो रे। लल लल हरि को नाम मिटाई पचरंगी, लल लल हरि को नाम मिटाई पचरंगी, हर पचरंगी ओ भाई पचरंगी, पचरंगी ओ भाई पचरंगी, ओ ले 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 हरि को नाम बिठाई, ओ पचरंगी ओ ले 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 हरि को नाम बिठाई, ओ पचरंगी। सोते हुआ तो बैठे हो जाओ राम राम ले ओ पाई रे, कुलवंशी बारे की जय।